दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज का अपना जो टॉपिक है ना, वो है हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस। और जो अपन डेटाबेस बताने वाला हूँ मैं, वो है एसक्यूएल सर्वर। एक्चुअली ये जो स्टेप्स है ना, नॉर्मली हर डेटाबेस में एक जैसी होती है। तो मैं एसक्यूएल सर्वर में बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ, तो मैं उसका डेटाबेस कैसे बनते हैं वो बताता हूँ। तो फिर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो लिट्स ब्रोज ट्यूटोरियल्स। स्टार्ट करें। अब यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे एसक्यूएल सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो जस्ट इसके अंदर अपने को डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए एसक्यूएल सर्वर आइकॉन पे राइट क्लिक करना और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना। मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। देखो, सिंपली राइट क्लिक किया एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करते से ही सिस्टम आपको यस और नो का ऑप्शन देगी, आपको यस ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, इतना करते से ही आप देख पा रहे हैं कि भाई एक डायलॉग बॉक्स आया है जिसमें सर्वर नेम ऑलरेडी लिख के आया हुआ है। आपको बस कनेक्ट बटन पर क्लिक करना है, बाकी कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। मैं आपको लगे तो जूम करके बताता हूँ। ये इस तरह से आपको सिर्फ कनेक्ट बटन पर क्लिक करना है। कनेक्ट बटन पर क्लिक करते से ही आप एसक्यूएल सर्वर के अंदर लॉग इन हो जाओगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी एसक्यूएल सर्वर के अंदर लॉग इन हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन है डेटाबेसेस करके। जैसे मैंने डेटाबेसेस पे क्लिक किया, वैसे आपको कई सारे डेटाबेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि आपको ये डेटाबेस ना दिखे, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी कई सारे डेटाबेस मैं बना चुका हूँ। चलो, अपना एम है कि अपने को एक नया डेटाबेस बनाना है और डेटाबेस के अंदर अपने को टेबल बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए फिलहाल तो बस डेटाबेस ऑप्शन पे राइट क्लिक करना और न्यू डेटाबेस ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको जूम करता हूँ यहाँ पे, देखो कुछ इस तरह से सिंपली राइट क्लिक किया मैंने और न्यू डेटाबेस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। क्लिक करते से ही वहां पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर आपको डेटाबेस का बस नाम पुट करना है। ओके, चलो मैं यहाँ पे डेटाबेस का जो नाम मैं डालता हूँ वो है कॉलेज डेटाबेस। मुझे जो नाम चाहिए था वो मैं पुट कर चुका हूँ और नीचे ओके की बटन है, बस वो प्रेस कर देता हूँ। क्लिक करते से सिस्टम थोड़ा टाइम लेगी और आपके लिए एक डेटाबेस बना देगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटाबेस जो है ना एकदम आखिर में मिलेगा आपको। आपको स्क्रोल डाउन करना है और एकदम आखिर में देखिए आपको यहाँ पे दिख पा रहे हो आप कॉलेज डेटाबेस। ओके, चलो अब अपन चाहते हैं कि इस कॉलेज डेटाबेस के अंदर अपने को टेबल बनाने हैं। जस्ट मैं उसके अंदर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करते से देखो उसमें ऑप्शन है टेबल्स व्यू सिनोनिम्स प्रोग्रामिंग की सिक्योरिटी। तो उसके अंदर अपने को टेबल्स के अंदर जाना है। ओके, तो टेबल्स के अंदर इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए जस्ट सिंपली डबल लिख दीजिए। मैं उसके अंदर आ गया। ओके, अब इसमें देखो आपको नए टेबल्स बनाने हैं। इमेजिन कर दे कि अपने को कॉलेज डेटाबेस के अंदर रजिस्ट्रेशन इस नाम का टेबल बनाना है और उसमें कुछ तीन फील्ड चाहिए आपको, नेम, सपोज उसका ईमेल आईडी और एड्रेस, ये तीन फील्ड डालनी है आपको। तो टेबल बनाने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और न्यू टेबल ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलो मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते से देखो आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। उसके अंदर आप कॉलम नेम पुट करना है आपको और उसका डेटा टाइप पुट करना है। तो चलो पहला कॉलम रखते हैं अपन नेम और उसका डेटा टाइप मैं रखता हूँ एनवायर का। दूसरा कॉलम रखते हैं अपन एड्रेस और उसका डेटा टाइप एनवायर का मैक्स, क्योंकि एड्रेस जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने मैक्स रखा है। और आखिर में रखता हूँ मैं ईमेल आईडी और ईमेल का भी डेटा टाइप एनवायरकर मैक्स रखते हैं, एनवायरकर 50 रखते हैं, ठीक है। और बस अभी इसको सिंपली सेव करना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि डेटाबेस के अंदर एक कॉलम रहता है जिसको प्राइमरी की अपन लगाना चाहते हो, तो मैं प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ आईडी नाम के कॉलम को। तो मैं उसका रोल नंबर नाम का एक कॉलम ऐड करता हूँ, रोल नंबर नाम का एक कॉलम ऐड करता हूँ। उसका डेटा टाइप रखता हूँ मैं इंटीजर और इस कॉलम को मैं स्विच करना चाहता हूँ पहले नंबर पे। तो मैं सिर्फ उसको ड्रैग किया और वो पहले नंबर पे आ गया। अब ये जो कॉलम है वो यूज करना चाहता हूँ मैं एज अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बनाने के लिए अपने को सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करना है और सेट एज अ प्राइमरी की ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मैंने क्लिक करते से देखो आपको बाजू में उसके की जैसा ऑप्शन आया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये अभी प्राइमरी की बन चुका है। ओके, अपना टेबल पूरी तरह से रेडी है। उसके अंदर अपने चार कॉलम बनाए हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और ईमेल। अब मुझे बस ये टेबल को सेव करना है। टेबल को सेव करने के लिए देखो यहाँ पे
सेव टेबल करके ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे जस्ट आपने क्लिक करना। क्लिक करते से देखो आपको वो टेबल का नाम पूछ रहा है। अब टेबल का नाम अपन सिंपल रखते हैं रजिस्ट्रेशन, मैंने रजिस्ट्रेशन टाइप कर दिया है और ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते से आपके लिए टेबल बन गया है। चलो मैं टेबल को क्लोज करता हूँ, अभी यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करते से आप देख पा रहे हो कि वहां पे एक एक्स्ट्रा फाइल आई हुई है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। ये अपना बनाया हुआ टेबल है, ये टेबल इस समय ये टेबल ब्लैंक होगा। चलो अपन उसको ओपन करके देखते हैं। अगर किसी भी टेबल को आपको ओपन करना है तो आपको सिंपली उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखो कुछ इस तरह से सिंपल मैंने उसको राइट क्लिक किया और ओपन टेबल ये ऑप्शन मैंने उस पर सिलेक्ट किया। ओपन टेबल बोलते से आप टेबल के अंदर के कंटेंट देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट टेबल के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ये पूरे पूरे ब्लैंक है क्योंकि अपने नए क्रिएट किए। हो सकता है आपको कोई डेटा ऐड करना है तो आप डेटा भी ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। देखो रोल नंबर मैं ऐड करता हूँ 1। मैं चाहता हूँ कि नेम मेरे को मैं लिखता हूँ वहां पे राजू प्रताप। एड्रेस लिखते हैं आपने सपोज रवि नगर, और उसका ईमेल आईडी भी आपसे अपन लिख सकते हैं सपोज raju@gmail.com कुछ इस तरह से। देखो आपका पहला रिकॉर्ड रेडी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा आप लोग आ गए। अच्छा कैसा लगा वीडियो आपको? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों का शेयर कीजिए उसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ वो बेल वाली बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में जो कंटेंट दिए गए उसके प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, बिकॉज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।